ਰਾਈ ਸਿਟੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਾਂਠੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਪਲੇਸ ਹੈਗਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਔਰ ਹੋਟ ਸਪੋਟ ਹੈਗਾ ਪਰਾਂਠਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। 13 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਾਂਠੇ ਨੇ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰਾਂਠੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਰਾਂਠਿਆਂ ਦੇ ਮਿਲੇਗੀ ਕੋਲਡ ਕੌਫੀ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ 12-13 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਾਂਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, देसी घी में चाहिए तो देसी घी बना देंगे, अमूल के मक्खन में चाहिए तो अमूल के मक्खन बना देंगे। पराठों के साथ साथ पराठे तो आपके मशहूर आएंगे और कॉफी का कैसे सोचेंगे? डेलगोना कॉफी बिल्कुल बीट करी हुई। वीडियो नहीं देखी तुम्हें सोशल मीडिया से? ठंड पा देनी है, रोड का पै गया पै रही है बर्फ। बैक टू बैक परांठे लग रहे ने, 6 तवे ने। और एक और चीज मैं थोड़ा दिखाना चाहूंगा कि ड्रेस कोड इधर हैगा वाइट शर्ट ते ब्लैक पैंट और जेड़ा सिर है प्रोपरली कवर किया गया कि कोई भी बाल ये ना जाए। और स्टफिंग तुम देख सकते हो बड़ी प्यारी हैगी है। हेलो दोस्तों, की हाल चाल, ठीक हो? तो अज फूडी जै पहुंचे चंडीगढ़ के। अगर जे तुम भी परांठे खाने के शौकीन हो तो ये वीडियो थोड़े लिए होने वाली है। और 13 तरह के परांठे ने और पिछले 27 साल तो ज़्यादा हो चुके ने परांठे बनाते हुए। और परांठे जेडे ने देसी घी दे विच भी मिलणगे और जेडे जिम फिटनेस फ्रीक ने उन्हां दे लई बिना ऑयल तो भी परांठे मिलणगे। और 27 साल तो ज़्यादा हो चुके ने ते नाल नाल परांठिया दे मिलेगी कोल्ड कॉफी। और ट्राई सिटी के परांठिया का होटस्पॉट यही है, सैटरडे संडे नूं तां 4 to 5 हज़ार परांठे इत्थे विकदे ने। ते लै चलदे आ बदलू भाई दे कोल। ते बदलू भाई सैक्टर 9 दे विच ने, और किस तरह दे नाल परांठे बनते हैं, किस तरह स्टफिंग तैयार होंदी आ, और परांठे जिहड़े ने हवा दे विच उड़दे भी दिखाई देणगे, आओ तुहानूं लैके चलदे आ बदलू भाई दे कोल। नाल कॉफी भी दिखावांगे, ठंडी लस्सी भी इहनां कोल हुंदी है, ते नाल नाल लस्सी दे विच मिठी भी हुंदी है, नमकीन भी हुंदी है, बीट कॉफी भी हुंदी है, कोल्ड कॉफी भी हुंदी है। आओ सानू लै चलदे आ। भाजी हुणा नाल गलबात कर लैने आ। भैया कैसे हो? बढ़िया सर। कैसे चल रहा काम? बढ़िया है सर। तो कितनी तरह के परांठे होते हैं आपके पास और इस की शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत हमारे बड़े भाई ने होटल में काम कर रहे थे, उन्होंने शुरुआत करी थी। कौन से सन में आए थे यहाँ पर? 94 में आए थे। 94 में, मतलब 27 साल से ज़्यादा हो चुके हैं आप? 27-28 साल हो गए। और कितनी तरह के परांठे होते हैं? 10-11 तरह के होते हैं हमारे पास। बिल्कुल स्टफिंग भी मैं कहूँगा, एक बार कैमरा मैन दिखा दो। भैया स्टफिंग बहुत अच्छी लग रही है, और ये स्टफिंग प्याज की है, वो प्याज और पनीर की है, आलू की है, गोभी ये मिक्स है, ये मिक्स है हमारा, ये मिक्स है। दे स्टफिंग देख सकते हो, स्टफिंग देख के ही तुम अंदाजा लगा सकते हो कि कितने प्यारे परांठे होंगे। स्टफिंग को ही पता लग रहा है, ये पनीर प्याज हो गए यहाँ पर, ये पनीर प्याज है, पनीर वाला देख सकते हो कितना कमाल का परांठा लग रहा है। और ये पेड़ा पनीर का हो चुके हैं, तो हूँ पेड़ा गोभी उधर पहुँच चुके हैं, नाल ही नाल भैया कितने तवे हैं और कितने परांठे एक दिन में लग जाते हैं? परांठे तो कोई पता नहीं, मैंने कोई अंदाज़ा लगाया नहीं, सवेरे थोड़ा चल जाता ठीक ठाक। तो सुबह कितने बजे आते हो? सवेरे 6:30 बजे तब आ जाते हैं बंदे, 8 बजे चालू करते हैं। 8 बजे शाम को? हाँ, 8 बजे सवेरे चालू करते हैं। हाँ, और शाम तक? शाम 7:30 बजे तक होते हैं। 7:30 बजे तक। और संडे को ज़्यादा रश होता है कि आम दिन? संडे और शनिवार को रश होता है, बाकी कम होता है। तो देख सकते हो। और कितनी मैं सुना कि 12-13 तरह के परांठे होते हैं? हाँ जी हाँ जी। अगर देसी घी में चाहिए तो देसी घी बना देंगे, अमूल के मक्खन में चाहिए तो अमूल के मक्खन बना देंगे, ड्राई चाहिए तो ड्राई बन जाएगा, मतलब जैसा जैसा खाना चाहोगे वैसा बन जाएगा। जो जिम वाले आते हैं वो बोलते हैं भाई तेल कम होना चाहिए, वो तो होना चाहिए, वो तो बिना घी के बनाते हैं।
तो वो जिम वाले भी आ सकते हैं आपके पास? आते हैं, आते हैं जिम वाले, आते हैं। संडे को ही होता है ना, उठते सारा आज पराठे खाने हैं। संडे शनिवार, और इसके साथ पराठों के साथ साथ पराठे तो आपके मशहूर आएंगे, और कॉफी का कैसे सोचे के डेलगोना कॉफी बिल्कुल बीट करी हुई? बीट कॉफी होती है हमारे पास, बीट कॉफी होती है, कोल्ड कॉफी होती है। कितनी देर बीट होती है कॉफी? आधा घंटा लगता है बीट करने में, आधा घंटा बीट करने में लगता है। और देख सकते हो बैक टू बैक पराठे लग रहे हैं, छह तवे ने, पहले पांच तवे थे, पांच तवे हैं, छठा भी उधर पड़ा हुआ ना, एक दो तीन पांच, अभी भी पांच ही है, अभी भी पांच है। अच्छा, उधर चाय रख दी है, पांच तवे ने और पराठे हवा दे विच उड़दे दिखाई दे रहे ने। और सवेर तो ही देख सकते हो किन्नी की भीड़ हैगी है, लोग फैमिलीज दे नाल आ रहे ने, फ्रेंड्स दे नाल आ रहे ने, जो जिन्हां दी संडे नूं छुट्टी हुंदी है क्रिकेट वगैरह खेडदे ने, और भी खेडां खेडदे ने, ते उह भी इधर अपने फ्रेंड्स दे नाल आ रहे ने। भैया बदलू नाम किनका है? बदलू साहू मेरे भाई का नाम। तो भाई कितने भाई हो आप? तीन भाई हैं। तो बदलू भाई आपके आपसे बड़े हैं? बड़े हैं। और एक आपसे छोटे हैं? हाँ, एक छोटे हैं, यहीं पे हैं। यहीं पे आ चुके हैं? हाँ, ये खड़े हैं। अच्छा, एक छोटे भाई भी इधर आ चुके हैं, और तीन भाई हैं। बदलू भाई सबसे बड़े हैं, उनके नाम से ये काफ़ी फेमस है। किसी से भी पूरी चंडीगढ़ में पूछोगे तो बदलू भाई के पराठे हो तो यहीं पर छोड़ के जाएगा। भैया और ये पहले कितनी तरह के पराठे होते थे? और पहले दो ही तरह के होते थे। कौन कौन से? पहले आलू के होते थे और पनीर प्याज होते थे और मिक्स होते, तीन तरह के होते थे। और धीरे 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 फिर वो तीन से तेरह हो गए हैं। जैसे जैसे बंदे मांगते जाते हैं, हमारे को ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, ऐसा साथ के साथ ही लगा लेते हो। एक हरी मिर्च का पराठा भी होता था, हरी मिर्च काटी भी होती थी आपके, अभी भी है? हरी मिर्च का भी होता है। हरी मिर्च कौड़ी ज्यादा इस समय थोड़ा कम खाते हैं बंदे। हरी मिर्च वाले तो अगले दिन तक पता लगता होगा, इस समय बहुत ज्यादा कौड़ी है ना। तो परांठे फुलदे भी दिखाई थानू दिखावांगे, और नाल ही नाल देख सकते हो परांठे उड़ भी रहे ने, उड़ते हुए भी दिखाई ते नाले फुलदे भी, मेरे ढिड दी तरह फुलदे हुए परांठे भी थानू दिखावांगे। तो नाल ही नाल देख सकते हो किन्ना क प्यारा लग रहा है, किन्नी क सफाई इधर हैगी है। ते इन भाजी नाल भी गल करते हैं। भैया इनका नाम क्या है? देखो है भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज्ञानचंद है। ज्ञानचंद? ज्ञानचंद जी कैसे हो? बढ़िया। स्पीड बड़ी तेज है पराठे बनाने की आपकी? पराठे बनाते हैं। कितने साल हो गए पराठे बनाते हुए? 20 साल हो गए। 20 साल यही बनाते हो कि घर भी बनाते हो? भाभी जी बोलते हैं घर पर भी बना लेते हैं। घर पे भी बना लेते हैं, क्या बात है। तो कैसा रहा 20 साल का सफर? बढ़िया चल रहा है बस। घर बढ़िया चल रहा है? परिवार यही रहता है कि नहीं? यही रहता है। यही रहता है। तो फिर 20 साल में एक ही जगह काम करते हुए कैसा लगता है? और लोग बोलते भी होंगे कि आपके वहाँ के तो परांठे बड़े फेमस हैं। बढ़िया है। क्या राज है इन परांठों में जो इतने फेमस हैं? ये सामान सही तैयार करते हैं, ताजा ताजा अच्छा लगता लोगों को, तभी आते हैं। और एक और चीज़ मैं थोड़ा दिखाना चाहूँगा कि ड्रेस कोड इधर हैगा वाइट शर्ट से ब्लैक पैंट, और जेड़ा सिर है प्रॉपरली कवर किया गया कि कोई भी बाल ये ना जावे। और स्टफिंग तुम देख सकते हो बड़ी प्यारी हैगी है, ते नाल ही नाल इधर पेड़े हो रहे ने, पांच तवे ने। भैया घी भी अमूल का यूज़ करते हो? अमूल का घी कोई कहता तो बनाते नहीं, तो हमारे पास वनस्पति का घी होता है। वनस्पति घी, अमूल का घी भी, और बटर? बटर भी बनाते हैं। और दही भी यूज़ करते हो? दही भी है, लस्सी भी है, कोल्ड कॉफ़ी भी है, बीट कॉफ़ी है। अच्छा, बीट कॉफ़ी तो आपकी बड़ी फेमस है, जो भी आता है बीट कॉफ़ी जरूर पीता है। और बीट कॉफ़ी भी थोड़ा दिखाऊँगा, बीट कॉफ़ी के नाल नाल कोल्ड कॉफ़ी भी इधर हैगी है, नाल ही नाल लस्सी जी है मिट्टी के नमकीन वजी तस्वीर भी थोड़ा दिखा दें कि लस्सी किस तरह तैयार हो रही है, और लस्सी की तस्वीर थोड़ा दिखा दें लस्सी तैयार कर रहे हैं। भैया कौन सी लस्सी होगी? मीठी लस्सी। मीठी लस्सी है, बड़े प्यार से बना रहे हो। क्या नाम है आपका? हेमंत। हेमंत, हेमंत कितना टाइम हो गया यहाँ पर काम करते हुए? चार पाँच साल। तो लस्सी के साथ साथ क्या क्या बनाते हैं? कोल्ड कॉफ़ी है, शेक है। एक बीट वाली कॉफ़ी भी बनाते हो आप? जी सर, वो हॉट कॉफ़ी बीट वाली, कोल्ड में पाती।
तो आप कोल्ड कॉफ़ी बनाते हो? तो कोल्ड कॉफ़ी के भी काफ़ी चर्चे हैं आपके, और क्या रहा था कोल्ड कॉफ़ी का? तब आज मालिक बताएंगे ऐसे भाई ऐसे नहीं, सारे ऐदा नहीं, सारी गल्ला दसते हैं और रोज का भी पाता हूँ हूँ। वो एक वीडियो नहीं देखी तुम सोशल मीडिया से, ठंड पा हूँ, ठंड पा देनी है रोज का पै गया ये नाल नाल पै रही है बर्फ पूरा भैया ठंडा कर देना, सोचा है पेट पेट पूरा ठंडा कर देना आज है हेमंत भैया, हाँ सोचा पूरा पेट ठंडा कर देना बिल्कुल। और कहाँ के रहने वाले हो? यूपी के रहने वाले हो। यूपी के रहने वाले हो, तो अभी यहाँ पे अकेले रहते हो कि परिवार के साथ? एक में है सर परिवार। अच्छा अच्छा, फैमिली है सर। क्या बात है, इसके साथ साथ नमकीन लस्सी भी बनाते हैं, नमकीन भी है, कोल्ड कॉफ़ी भी है, नमकीन लस्सी कोल्ड कॉफ़ी शेक है, मैंगो शेक बनाना शेक। तुम परांठे खाना आए ना, सू मैंगो शेक भी मिलना, लस्सी भी मिलनी है, नमकीन मिठी कोल्ड कॉफ़ी भी मिलनी है, सारी चीज़ इधर मिल जानी है परांठे के नाल। 13 तरह के परांठे ने, देसी घ्यो वाला अलग है, अगर किन्ने यादगार परांठा खाना तो हरी मिर्च वाला अलग है, अगले दिन तक याद रहता। तो फुले हुए परांठे, और देख सकते हो भीड़ किन्नी हैगी है, और ये ट्राई सिटी जी सब तो ज़्यादा परांठे बेचण वाला प्लेस हैगा, जगह हैगी है, और हॉटस्पॉट हैगा परांठिया के लिए। और देख सकते हो किन्ने प्यारे तरीके दे नाल, और बिल्कुल पूरे ड्रेस कोड दे नाल, और साफ सफाई दे नाल ये सब नू परांठे जिहड़े ने खिलाए जा रहे हैं। और सिटिंग देख सकते हो कि सवेर तो ही सीटिंग जिहड़ी है काफ़ी फुल हैगी है, और दसिया जा रहा है कि 4 to 5 हज़ार परांठे जिहड़े ने वो डेली इधर सेल होंदे ने, ते सैटरडे संडे नू कम का ज़्यादा जोर हुंदा। और इधर पहुँचे सी अज, तारीफ तो काफ़ी सुनी सी, देखा भी है ना, सानू परांठा भी दिखा दें, और खाने तो बाद ही दसते हैं कि आखिर टेस्ट किदा दा, की चीज़ खास सानू लगती है, वो भी थानू दिखा दें। नज़ारा आ गया खा के, जो साडा मन भी हो रहा है क्योंकि संडे अज, तो आ जाओ परांठे खाने फिर सैक्टर 9 चंडीगढ़ बदलू दे नाल, पीवांगे कॉफ़ी। तो हुण अगले संडे नू मुलाकात होगी, इदा ही देखते हो फूडी जैन, धन्यवाद।